रामू बोरोड ₹15,625 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी टू बाई अ स्कूटर। ठीक है, रामू ने एक फाइनेंस कंपनी से बोरो किया मनी 15,625 एक स्कूटर खरीदने के लिए। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट पेमेंट विल हैव टू मेक इन टू द पर मीन्स 8.99/4 ईयर्स के बाद जो है कितना उसको देना होगा, 16% अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो। सो प्रिंसिपल अमाउंट 15,625, रेट की वैल्यू 16%, टाइम लग रहा है भाई 9/4 ईयर्स, तो फॉर्मूला लिखेंगे ए इक्वल टू पी, पहले 2 साल के लिए आफ्टर 2.5 ईयर्स। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक तो 2 साल का निकाल लिए, 2 साल का एक हाफ ईयर्स का निकालते हैं। 9/2 में से अगर 2 साल का पहले निकाल दिया तो 5/2 बचा। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/r/100 और यहाँ पे टाइम निकाल देते हैं 2 साल का, ठीक है, इनटू 1+r/100। ठीक है, तो 2 और यहाँ पे निकालेंगे रेट 16% पर एनम। एक काम करते हैं, इतना लफड़ा क्यों कर रहे हैं हम लोग, हम क्या करते हैं क्योंकि फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में तो आप ईयर जो है वो फिर पावर में कैसे निकालोगे ना। तो लेट मी थिंक, वही वाला फॉर्मूला लेती हूँ, पी इंटू अमाउंट की वैल्यू पी इंटू 1+p की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग देखिएगा क्या कर रही हूँ मैं। अमाउंट की वैल्यू पी कितना है, 15,625 इंटू 1+r कितना है, 16% लग रहा है 1 साल का, 2 साल में हम लोग 16% निकाल लेते हैं, तो 2 साल लिए ले लेते हैं, तो कितना बचा, हाफ ईयर्स बचा, मतलब 1/4 बचा, इंटू 1+ ये निकाल देते हैं 16/4/100, तो इतना ही बचेगा ना, क्योंकि हाफ ईयर्स का तो इतना ही है, मीन्स 1/4 ये निकाल रहे हैं, तो वही चीज़ बचा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी 21,886 रुपये। तो 2^1/4 ईयर के बाद 21,666 रुपया बचेगा, 66 रुपया बचेगा देने के लिए उसको, ठीक है। सो व्हाट वी बेसिकली डन, गिवन डिटेल्स आर प्रिंसिपल पी इक्वल टू 15,625, रेट आर इक्वल टू 16%, ओके, एंड टाइम टी इक्वल टू 2/1/4 ईयर्स, ओके। सो बाई यूजिंग द फॉर्मूला ए इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 इंटू 1+r/100, सो 15,625 इंटू 1+16/100 का स्क्वायर इंटू 1+16/4 बाई 100, तो 15,625 इसको सेल करके 21,866, टू 1/4 ईयर के बाद 21,866 ही आया, ओके।